सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज बहुत दिन के बाद आया हूँ काम करने के लिए। तबीयत मेरा पूरा ख़राब हो गया था मेरा 7-8 दिन से, इसलिए 7-8 दिन पूरा छुट्टी लिए थे। काय सफा कर रहा है, इसलिए साउंड अलग हो रहा है। भांगी जी वजह देखी। और आज स्कटिंग लगाएंगे सबका, इसका स्कटिंग लगाएंगे। और ये मेरा एक अंदर का रूम में स्कटिंग लगाना बाकी रह गया है, बाकी ये सब खत्म हो गया था। इसको पूरा ओके करके गए थे हम, और लास्ट दिन इस रूम को लगा के उसके बाद 7-8 दिन से फिर काम करने आए ही नहीं। तो फाइनली कल आए थे काम करने के लिए, कल इसका इस कटिंग सब कटिंग करके रख दिया हूँ। और ये छोटा वाला रूम भी लगा हुआ नहीं था, तो इसको भी कल लगा के गए थे। और इसमें थोड़ा अलग टाइल्स है, एक्चुअली ये टाइल्स से मिला नहीं ना दुकान में, फिर इसके लिए अलग टाइल्स लेके आ गए। इसके लिए इस कटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज काम है इस कटिंग का। और इस कटिंग भी इस तरह से कुछ खड़ा हो रहा है। ये भी एक रूम इस कटिंग लग के कंप्लीट हो गया है, ये वाला रूम। और वहाँ पे डोर सिल बनाएंगे ना, तो इसी के सीधे में ही लगा दिया इस कटिंग, ताकि इसके साथ मिक्स होकर रहे, चारों तरफ देखने में अच्छा लगेगा। अब अभी इस रूम को पहले लगा देता हूँ, उसके बाद फिर डाइनिंग की बारी होगी, उसके बाद लंच के बाद शायद बालकोनी लगाएंगे। और बालकोनी सबसे ज़्यादा लंबा है, बालकोनी देखें पूरा यहाँ से लेके रूम वो छोड़ तक लगेगा, और इतना सारा इसका डिंग से कटा हुआ है। छोटा वाला रूम भी स्कटिंग मार दिया हूँ, ये देखो चारों तरफ ये टाइल्स लगा हुआ है ना, इसका स्कटिंग इसमें है। ये स्कटिंग नहीं दिया हूँ, क्योंकि ये बहुत सारा टुकड़ा बचा हुआ था, तो इसको ख़त्म करना था टुकड़ा ना, नहीं तो ये सब पूरा वेस्ट हो जाता और कहीं लग भी नहीं पाता। लगभग सारे जगह में हमारा काम ख़त्म हो गया इस टाइल्स का, तो इसीलिए उसमें 4 इंच का कटिंग करके दे दिए हैं। और पता भी नहीं लग रहा है, जब ध्यान देखेगा तभी जाके पता लग रहा है 4 इंच में। अभी प्लान लगा रहा हूँ टाइमिंग भी वो वहाँ तक मार दिया हूँ, और अभी थोड़ा एक कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर इधर से मारते हुए और यहाँ पे जाके एंड करेंगे। तो चलिए लगाता हूँ फटाफट इसको। दोपहर का 1 बज गया है, बजने वाला है, बजा नहीं है, और अभी 4 मिनट बाकी है, और हमारा टाइमिंग तक इस कटिंग लग के कम्प्लीट हो चुका है। और अभी इसमें थोड़ा ब्लैक सीमेंट भर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो जाता है ना ऊपर में, इसलिए इसमें ब्लैक भर देंगे तो व्हाइट सीमेंट ठीक से फिनिशिंग हो जाएगा। तो एक ही बार व्हाइट सीमेंट देने से ना उतना अच्छा से फिनिशिंग नहीं हो पाता, थोड़ा गड्ढा गड्ढा रह जाता है ना। अभी एक बार ब्लैक सीमेंट मार देंगे इसके ऊपर, जब व्हाइट सीमेंट मारेंगे ग्राउंड पर मस्त पूरा फिनिशिंग हो जाएगा। तो अभी चलिए फिर खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर बालकोनी का बारी है, बालकोनी को लगाएंगे। और बाहर में ना बारिश स्टार्ट हो गया है, देखो बादल छाने लगा है धीरे धीरे, इतना बड़ा बड़ा बूंद पड़ रहा है यार। पानी में देखो, पानी में नजर करो, और ऐसे भी बारिश है अभी 2-3 दिन, बहुत जोर होगा गाइस बहुत। मेरा स्कूटी देखो, वैसे स्कूटी में हेलमेट नहीं है, हेलमेट रहने से डर लगता है। चलो खाना खा लेंगे, अभी लाइन भी सेट कर दिया होगा, देखता हूँ ट्राई करता हूँ है कि नहीं। हाँ है लाइन अभी तक। फाइनली गाइस अभी बैठ गया हूँ खाना खाने के लिए। और देखिए कुछ हम लोग का खाना इस तरह से होता है साइड में, और घर में भी यही खाना होता है साइड में सिर्फ नहीं। ये हमारे कुमार भाई का देसी पुखार, उड़ीसा का फेमस पुखार है। और मेरे पास है दाल भात, और ये बना रहा हूँ चटनी थोड़ा सा, और ये भुजिया है। और दो चटनी में क्या है, इमली का खट्टा, हरी मिर्च और ये रसून, सबको एक जगह गोड़ देंगे, मस्त बन जाएगा चटनी। देखो इनके पास भी है लोकल का, ये खाने में मस्त लगता है। खाना खा के आराम से 1.5 घंटा पूरा रेस्ट किया, और अभी लग रहा हूँ काम में फिर,
और अभी बालकोनी का फिर स्कर्टिंग लगाऊंगा। अब बालकोनी का स्कर्टिंग लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से लगा के और पूरा उस तरफ में जाएंगे। 2:35 से ज़्यादा हो गया है, अभी देखते हैं इसको खत्म कितना बजे ख़त्म कर पाता हूँ। इतना सा बचा हुआ है इसको लगाते हैं अभी, उसके बाद फिर ये डाइनिंग में ये इधर थोड़ा सा बाकी है इसको लगा के उसके बाद आज का काम हो जाएगा ख़त्म और फिर जाएंगे घर। अभी शाम को 5:30 बज गए और आज का यहाँ पे होता है काम ख़त्म और अभी निकल रहे हैं।